Hey guys, welcome back to my channel, Girls Let's Glitter. So today we are talking about monsoon hair care routine. We all know that monsoon is already arrived, और मानसून में सबसे ज्यादा परेशान हमारे बाल ही रहते हैं. जैसे हम सब एक रोमांटिक और ये सब सोचते हैं और हमारे बाल फ्रीजी, इची स्कैल्प और ड्राई हेयर, हेयर फॉल प्रॉब्लम, ये सब हमारे बालों को झेलना पड़ता है मानसून में. तो हम आज शेयर करेंगे आपके बालों के साथ आपको क्या करना चाहिए कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर ही रहे हमसे, यू नो. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑयलिंग से. तो हम सब जानते हैं कि हेयर ऑयल हमारे बालों के लिए कितना जरूरी है, और मानसून में ही नहीं, हेयर ऑयल हमको सारे सीजन में ही करना चाहिए क्योंकि वो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आपको हेयर ऑयलिंग मानसून में तो करना ही चाहिए, स्पेशली जब भी आप अपने बाल वॉश करते हैं उससे पहले आपको हेयर ऑयल करना चाहिए. और हेयर ऑयल आपके बालों को बहुत सारे प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट भी करता है, लाइक हेयर फॉल, हेयर लॉस, डलनेस, स्प्लिट एंड्स. सो आई सजेस्ट आपको वीकली एक बार हेयर ऑयल तो करना ही चाहिए. अगर आपके ऑयली हेयर है तो आपको ऑयल करके सिर्फ उसको 2 या 3 घंटे तक रखना चाहिए मैक्स टू मैक्स. और अगर आपकी ड्राई हेयर है, ड्राई स्किन है, तो फिर आपको इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लाइक हेयर ऑयल करके आप ओवरनाइट रख सकते हैं, सो जाए और सुबह जाके सीधा उठ के अपना हेयर वॉश कर सकते हैं. अगर आप ऑयली स्किन है और आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो इससे आपके फोरहेड पे पिंपल्स भी आ सकते हैं. सेकेंड नंबर आता है शैम्पू का. तो आपको हर दूसरे या तीसरे दिन आपको अपने बालों को शैम्पू नहीं करना है क्योंकि इससे आपका जो बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर है, नेचुरल ऑयल है, वो गायब हो सकता है और आपके हेयर वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई होते जाएंगे. तो आपको मतलब शैम्पू करना अवॉइड करना है. आपको वीक में 2 बार शैम्पू कर सकते हो. और अगर आपके बाल बहुत ही ऑयली है और मानसून में तो स्पेशली ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो आप वीक में 3 बार वॉश कर सकते हैं. और हेयर वॉश के लिए आपको गर्म पानी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके बालों को ड्राई कर देगा और डैमेज करेगा. सो यू कैन यूज़ कोल्ड वाटर और लुकवार्म वाटर. और शैम्पू के लिए आपको बहुत ही माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए जो कि हार्श ना हो आपके बालों पर और जो सल्फेट फ्री हो. थर्ड नंबर आता है कंडीशनर का. तो कंडीशनर मानसून में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि मानसून में आपके बाल ज्यादा ड्राई और ज्यादा फ्रीजी रहते हैं. तो फ्रीजी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हेयर मास्क और हेयर कंडीशनर, वट एवर यू यूज. तो आपको यहाँ पे कंडीशनर, जब भी आप बाल वॉश करते हो आपको कंडीशनर यूज करना ही है, इससे आपके बाल फ्रीजी नहीं रहेंगे. कंडीशनर यूज करने से आपके बाल हेल्थी और शाइनी दिखेंगे. और मेक श्योर कंडीशनर आपको सिर्फ अपने बालों पे ही करना है, अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना है. उसके बाद आता है सीरम. तो सीरम आपको अपने टॉवल ड्राई हेयर पर आपको सीरम लगाना है. एंड बी जेंटल विथ योर हेयर. आपको अपने बालों को ऐसे रगड़ना नहीं है, आपको जेंटली बस उसको डैप डैप करना है. हेयर सीरम आपके बालों से रफनेस को दूर करता है और नरिश तो करता ही है, लेकिन साथ में ये आपके बालों को एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मानसून में जितना हो सकता है उतना हीट्स अवॉइड करना चाहिए, लाइक स्ट्रेटनिंग, कलरिंग, ये सब मानसून में हो सके उतना अवॉइड करें क्योंकि उससे बाल ड्राई हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे और फिर उससे हेयर फॉल भी होगा. और मानसून में तो कुछ ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है. और अब हम बात करेंगे DIY हेयर मास्क. DIY हेयर मास्क बनाने के लिए हम लेंगे दही,
नींबू और एलोवेरा जेल, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और अच्छे से आपके बालों पे लगा देना है। नींबू जो है वो आपके बालों से डैंड्रफ और इचीनेस दूर करेगा, एलोवेरा जेल आपके बालों को शाइनी और स्मूथ बनाने में मदद करेगा, और दही जो है वो आपके बालों को अंदर से नरिश करेगा और आपके बालों को हेल्दी दिखाने में मदद करेगा। ये मास्क लगा के आपको अपने बालों को 2 घंटे तक छोड़ देना है और 2 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। एंड मेक श्योर यू हैव टू यूज व्हाइट टूथ कॉम्ब इफ यू वॉन्ट टू कॉम्ब योर वेट हेयर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और आगे ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।